अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टू व्हीलर गुरु। टू व्हीलर गुरु के इस एपिसोड में आज हम देखेंगे बजाज डिस्कवर 2013 अबाउट 100 cc, इसका ऑयल चेंज और जो इसका ऑयल फिल्टर आता है यहाँ पे वो कैसे बदलते हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक नया ऑयल और इसके साथ जो कंपेटिबल होता है वो ऑयल फिल्टर और एक रेंच का सॉकेट सेट, या फिर आप ले सकते हैं 17 नंबर का रिंग पाना और एक 10 नंबर का छोटा रिंग पाना ऑयल फिल्टर खोलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक ख़ास चीज़ ऑप्शन करने के लिए एक बकेट। तो सबसे पहले हम ये जो अपना नया रैचेट का सॉकेट सेट है वो अनबॉक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें सभी mm के सॉकेट्स है और एक टी हैंडल मिलता है इसके साथ, और मैंने इसके साथ एक बड़ा वाला रैचेट ख़रीदा है। तो ये सब पूरा सेट मुझे लगभग 400 rupees के अराउंड पड़ा है लोकल मार्केट से। तो सबसे पहले हम ये जो ड्रेन बोल्ट है यहाँ पर वो खोल लेंगे। ठीक, ये जो गियर का है पैडल वहाँ पे, ठीक यहाँ पे ये जो बोल्ट है वो खोल लेंगे। ये अपना रैचेट, ये 17 नंबर का सॉकेट। ठीक है, ये जो बकेट है ऑयल ड्रेन का वो हम इसके नीचे रखेंगे। और ये जो बोल्ट है वो हमने लूज कर लिया है। और जो इंजन है आपकी गाड़ी का उसको वर्किंग टेम्परेचर पे रखिए। ये पड़ा अपना पुराना ऑयल। अब इसके अंदर कंपनी ने ये ऑयल स्टेनर भी दे रखा है, उसको भी कैसे साफ करना है वो भी मैं आज आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब ये जो इंजन ऑयल का ड्रेन बोल्ट हमने निकाला था उसमें से पुराना ऑयल हमने निकाल लिया है। अब ये जो बाइक है उसको राइट साइड पे पहले झुकाएंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड पे झुकाएंगे ताकि पूरा जो नया पुराना ऑयल है वो सब इसमें से निकल जाए। ठीक है, अभी ये जो ऑयल फिल्टर है उसको निकालने के लिए हमें एक 8 नंबर का सॉकेट, या फिर आप ले सकते हैं रिंग पाना और रैचेट। अभी ये जो पुराना ऑयल फिल्टर है उसको भी हम निकाल लेंगे। और दोस्तों, जो ऑयल का ग्रेज है वो जो आपकी बाइक के सर्विस मैनुअल में लिखा है ब्रांड ने, वही इस्तेमाल करें। उससे कम या ज़्यादा ग्रेज का ऑयल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके ऑयल पंप के लिए और आपकी गाड़ी के इंजन के लिए ख़राब हो सकता है और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है।
अभी आप देख सकते हैं इसका ये पुराना ऑयल फिल्टर। दोस्तों ये जो ऑयल फिल्टर है वो आपको हर तीसरे ऑयल चेंज पे बदल लेना चाहिए, और अगर आप ऑयल कुछ टाइम बाद चेंज करते हैं तो ये जो ऑयल फिल्टर है उसको हर दूसरी सर्विस में बदल लेना चाहिए। और इसकी कीमत जो है वो बाज़ार में कुछ ज़्यादा है नहीं, 30 से 40 रुपए के बीच ये जो ऑयल फिल्टर है वो मिल जाता है। अभी साइड से भी हम बाइक को थोड़ा झुका कर जो पुराना ऑयल है वो निकाल लेंगे। और ऑयल को पूरी तरह से अच्छे से ड्रेन करने के लिए गाड़ी को न्यूट्रल में रख के इग्निशन की ऑफ रखेंगे और किक करेंगे, क्योंकि जो इंजन का ऑयल पंप है वो किक करने से वर्क करेगा और जो पूरा ऑयल है उसमें गंदा वाला जो पुराना ऑयल वो सब निकल जाएगा। कुछ इस तरह से हम जो पुराना ऑयल है वो सब बाइक से ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद नया ऑयल फिल्टर लगाएंगे और नया ऑयल डाल देंगे, और उससे पहले हम जो ड्रेन बोल्ट है वो वापस लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ऑयल स्टेनर निकाला था उसको भी पहले हमें गैसोलीन या फिर किसी अल्कोहल वाले किसी भी केमिकल, पेट्रोल या फिर थीनर या फिर टर्पेंटाइन किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से ब्रश से धो लीजिए। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे गैसोलीन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, अभी इसको यहाँ पे फ़िलहाल सूखने देंगे। तब तक हम ये जो ऑयल फिल्टर है उसको वापस लगा लेंगे नया वाला। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नया ऑयल फिल्टर, और ये कुछ इस तरह से इसके अंदर लगेगा। ये जो स्प्रिंग है वो उसके कैप की तरफ आएगा और कुछ इस तरह से इसके अंदर ये जाएगा और यहाँ पे ये बोल्ट आएगा। फ्रेंड्स, ये जो ऑयल कैप है, ऑयल फिल्टर का कैप है, उसको लगाते समय यहाँ पे नीचे जो मार्किंग है कैप के नीचे, वो मार्किंग और इंजन के बॉडी के ऊपर यहाँ पे नीचे एक मार्किंग होगा, वो दोनों मैच करके ही है कैप को सीधा लगाए, वरना ये जो बोल्ट है वो मैच नहीं करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको टाइट कर लेंगे। और ध्यान रखें इसको ज़्यादा टाइट ना करें, क्योंकि ये इंजन भी एल्यूमिनियम का है, इसलिए इसके रेट ख़राब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो पुराना ऑयल फिल्टर है, हमने उसको निकाल के उसकी जगह पे नया और ऑयल फिल्टर लगा दिया है। अब हम नया ऑयल इसमें डालेंगे और उससे पहले जो ड्रेन बोल्ट है उसको अच्छे से फिट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये इसका ऑयल स्टेनर पहले यहाँ पे लगेगा। उसके बाद ये जो ड्रेन बोल्ट है वो वापस लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये जो ड्रेन बोल्ट है उसको हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। अभी हम इसमें ये जो नया ऑयल है गल्फ का 40 प्लस प्राइड सीरीज़ का, ये जो बाइक है वो गियर वाली है, इसके लिए हमने इसमें लिया है 20W40। और बजाज कंपनी है, वो भी अपने सर्विस मैनुअल में ऑयल का यही ग्रेज इसके लिए रिकमेंड करती है। फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा नया ऑयल, और ये जो फिलर कैप है उसको खोल के इसके अंदर हम नया ऑयल डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फ़िलहाल बिना फ़नल के ऑयल डाल रहा हूँ, लेकिन आप कृपया इसका फ़नल डाल के ही इसके अंदर ऑयल डालें। फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर जो पूरा ऑयल है वो डाल दिया है। अभी ये जो फिलर कैप है उसको बंद करके इंजन को पहले थोड़ी देर ऐसे ही चलने देंगे, ताकि जो अंदर के सारे मूवमेंट जो पार्ट्स है, सारे गियर सब, चेन बेल्ट सब, जो भी सब इसके अंदर है वो सब ऑयल में वेपोराइज हो जाए।
फ्रेंड्स ये जो पुराना ऑयल है उसको हम ये जो नया ऑयल का डिब्बा है उसमें वापस डाल लेंगे, और इसको जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि ऑयल को ऐसे ही वातावरण में एक्सपोज करके वातावरण को दूषित ना करें। फ्रेंड्स ऑयल चेंज होने के बाद बाइक की जो पूरी इंजन की बॉडी है जहाँ जहाँ पे ऑयल के मार्क्स है वो साफ कर लीजिए। और फ्रेंड्स जहाँ पे आपने ऑयल चेंज किया हो और वहाँ पे अगर आप ऑयल गिराते हैं तो वहाँ पे मिट्टी डालना ना भूले, और ये जो गाड़ी है उसको 10 से 15 मिनट मिनिमम ऐसे ही उसके इंजन को थोड़ी थ्रॉटल पे चलने दे। सो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टू व्हीलर गुरु। गुड बाय फ्रेंड्स।